अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर हयात और आप देख रहे हैं हसीब उर्दू टीवी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी उन खवातीन के बारे में जो अर्तुरुल के खिलाफ होती हैं। वैसे तो इस पूरे सीरियल में काफी औरतें अर्तुरुल के खिलाफ होती हैं, लेकिन अगर मैं आपको एक ही वीडियो में बता देती तो वीडियो काफी लंबी हो जाती और मैंने आपको बतानी भी सारी थी, इसलिए मैंने वीडियो के दो पार्ट कर दिए। अगर आप लोगों ने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा तो जाकर वो भी देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का पार्ट टू। छठे नंबर पर आती है चौलवान खातून, जो चावदार कबीले के सरदार जानदार के बेटे और आल की बीवी होती है। चौलवान ईसाई गवर्नर की बेटी थी। ये खुद को मुसलमान जाहिर करती है, लेकिन ये मुसलमान नहीं होती। इसका ईसाई नाम एकेतरीना था। अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए इंतकाम की आग में जलती रहती है। अपने असली मजहब की शनाख्त छुपाते हुए और आल से शादी करती है। और आल एक इंतहाई लालची और फसादी होता है, और चौलवान भी उसी की तरह होती है और उसके हर काम में उसका साथ देती है जो वो अर्तुरुल के खिलाफ करता है। अर्तुरुल के हांदी बाजार को फतह करने के बाद काराचैसर किलर का गवर्नर बाजार से तिजारत खत्म कर देता है, जिससे बाजार और बाकी कबाइल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है। चौलवान मौके का फायदा उठाते हुए अर्तुरुल की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए बाजार में सबके सामने अर्तुरुल के खिलाफ बोलती है, लेकिन हाइमा खानम और हलीमा सुल्तान उसको उसकी हद याद करवा देते हैं। जब औराल धोखे से चावदार कबीले पर कब्जा करता है तो चौलवान को किले में छोड़ाता है। औराल की मौत अर्तुरुल के हाथों अंजाम को पहुँचती है। औराल की मौत के बाद चौलवान एकेतरीना वाले हुलिये में वापस आ जाती है। शुरू में तो वो वैसुलिस के साथ मिलकर अर्तुरुल के खिलाफ साजिशें करती है। वैसुलिस के मरने के बाद आरस के साथ मिलकर अर्तुरुल को मारने की हर मुमकिन कोशिश करती है। सुल्तान के हुक्म पर जब अर्तुरुल मोहम पर जाता है तब एकेतरीना को सादतीन से खत मौसूल होता है और वो आरस को अर्तुरुल और उसके साथियों समेत खत्म करने भेजती है, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। एकेतरीना की मौत तो नहीं दिखाई गई, मगर सादतीन सुल्तान को सिर्फ इतना बताता है कि उसको मार दिया गया था। सातवें नंबर पर आती है आलमगोया, जो नोयान की बहन होती है। आलमगोया नोयान की भेजी हुई जासूस थी, जो हानली बाजार में आलमिला खातून के नाम से अपनी शनाख्त जाहिर करती है। ये हानली बाजार में ताजिर के रूप में आती है, अर्तुरुल से कारखाना लगाने की इजाजत मांगती है और साथ ही अपनी जानो माल की जमानत भी लेती है। आलमगोया अपने काफिले पर जानबूझकर हमला करवाती है ताकि अर्तुरुल का नाम खराब हो और बाजार माशी तंगदस्ती का शिकार हो जाए। ये अपने भाई का बदला लेने के लिए कबीले की खबरें और हाइमा खानम की हिमायत हासिल करती है और कबीले की सारी खबरें नोयान तक पहुँचाती है। नोयान के कहने पर अर्तुरुल के बच्चों का ख्याल रखती है, जिसमें वो काफी हद तक अर्तुरुल और हाइमा खानम की हिमायत हासिल कर लेती है। लेकिन जब अर्तुरुल ओक्ताई खान के पास सुल्तान गयासुद्दीन का एलची बनकर जाता है, तब वहाँ तुर्गुत और बमसी को एक मंगोल सिपाही नोयान की बहन आलमगोया के बारे में बताता है कि वो कैसे कबीलों में जाकर साजिशें करती है। जैसे ही अर्तुरुल को पता लगता है, वो वहाँ से फौरन रवाना हो जाते हैं। नोयान आलमगोया को खबर भेजता है कि अर्तुरुल के पहुंचने से पहले उसके खानदान को खत्म कर दे। आलमगोया यानी आलमिला खातून जैसे ही हाइमा खानम को पीछे से मारने की कोशिश करती है, अर्तुरुल खैमे में दाखिल हो जाता है और हाइमा खानम आलमगोया में तलवार पेवस कर देती है। आलमगोया अपने अंजाम को पहुँचती है। आठवें नंबर पर आती है मारिया, जो हांदी बाजार के मालिक सैमोन की बहन होती है। ये टेम्पलर्स थे और खुफिया तौर पर सलजुक सल्तनत के खिलाफ साजिशें करते थे। इनका मकसद बैतुल मुकद्दस पर वापस कब्जा करना था। सैमोन और मारिया को सुल्तान अलाउद्दीन के तैनात किए हुए उस शख्स को तलाश करना होता है, जिसको 35वां याहिया यानी सैमोन को मारने का कहा जाता है। सैमोन और मारिया को शक होता है कि अर्तुरुल ही वही शख्स है। जब तुर्गुत पर कालीन ले जाते वक्त रास्ते में हमला होता है, तब मारिया तुर्गुत को सराय ले आती है और दिल ही दिल में तुर्गुत से मोहब्बत करने लगती है। सराय में सैमोन और मारिया की बातें तुर्गुत बेहोशी की हालत में सुन लेता है, जिसके बाद वो कबीले जाने से इनकार कर देता है और सबको दिखाने के लिए अर्तुरुल को बुरा कहता है। मारिया तुर्गुत का ख्याल रखती है और उसे अर्तुरुल के खिलाफ करती है। तुर्गुत दर हकीकत सराय में रहकर जासूसी करता है और खबरें अर्तुरुल तक पहुंचाता है। तुर्गुत अर्तुरुल के खिलाफ है ये दिखाने के लिए काई कबीले में अर्तुरुल से लड़ाई करता है, ताकि मारिया और सैमोन को यकीन आ जाए। लेकिन मारिया को तुर्गुत पर शक हो जाता है कि वो जासूसी कर रहा है। वो एक जाल बिछाते हैं जिसमें अर्तुरुल को मारने की साजिश की जाती है। मारिया एक खतरनाक जहर तैयार करती है और वो ये जहर खत में डालकर कासिद रवाना करते हैं। ये खत तुर्गुत रास्ते में हासिल कर लेता है और अर्तुरुल को दे आता है, लेकिन वो इस साजिश से बेखबर होता है। जहर की वजह से अर्तुरुल की मौत हो जाती है और इसका इल्जाम तुर्गुत पर लगाया जाता है। खत देकर तुर्गुत सराय जाता है तो सैमोन का खास आदमी तुर्गुत को सब बता देता है, जिसके बाद तुर्गुत उसको मार देता है। मारिया पीछे से जहर आलूदा खंजर तुर्गुत को मारने ही लगती है कि तुर्गुत वही खंजर मारिया को मार देता है और मारिया की मौत हो जाती है।
वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो से आप जल्द से जल्द अपडेट हो सकें। नंबर 9 पर आती है सीरमा खातून, जो उमरोलो कबीले के सरदार उमर की बेटी होती है। सीरमा अपनी बहन इल्विलगाय से ज्यादा अपने भाई बेबौलाद से मोहब्बत करती थी और बिल्कुल अपने भाई जैसी ही होती है। सीरमा अपने भाई की हर बात मानती है और अर्तुरुल के कबीले में इंतशार फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। शुरू में तो सीरमा अच्छा बनने की कोशिश करती है। जब बेबौलाद अर्तुरुल से सीरमा की शादी का इजहार करता है तो वो खुशी से हामी भर लेती है, लेकिन अर्तुरुल सीरमा की बजाय इल्विलगाय का हाथ मांग लेता है, जिसके बाद सीरमा अर्तुरुल के खिलाफ हो जाती है और अपनी बहन से नफरत करने लगती है। जब मंगोल अर्तुरुल के कबीले पर कब्जा करते हैं तब कमांडर अलन चाक सीरमा को औरतों का सरबराह बना देता है, जिसके बाद वो कबीले में हर एक से बदतमीजी करती है। एक बार सुलजान खातून से बदतमीजी करती है तब सुलजान उसको थप्पड़ मार मार कर अच्छा सबक सिखाती है। बेबौलाद की असलियत खुलने के बाद जब सीरमा की साजिशें बेनकाब होती हैं तब वो इल्विलगाय से माफी मांगती है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आती और अर्तुरुल के खिलाफ साजिशें करने में मगन रहती है। ये जानते हुए भी कि उसका भाई अलबास्ती है, वो उसका साथ देती है और मंगोलों से मिल जाती है। अपनी मर्जी के शख्स को कबीले का सरदार बनाकर उससे शादी की रजामंदी जाहिर कर देती है। सीरमा मंगोलों की मदद करने के लिए कबीले के सिपाही भेजती है, तब इल्विलगाय सीरमा की साजिशें बेनकाब करने के लिए तुर्गुत की मदद से कबीले में मौजूद गद्दारों का खात्मा करती है। सीरमा इल्विलगाय से माफी मांगती है, लेकिन अपनी भाई की मौत और अर्तुरुल से शादी न होने की वजह इल्विलगाय को ठहराती है और सीरमा इल्विलगाय के मुँह पर जहर फेंक देती है और खैमे से निकलने ही लगती है तब फौरन इल्विलगाय सीरमा को पीछे से खंजर मार देती है और सीरमा की मौत हो जाती है। 10वें नंबर पर आती है असलहान खातून, जो चावदार कबीले के सरदार जानदार साहब की बेटी होती है। असलहान शुरू में तो अर्तुरुल से मोहब्बत करती है और दिल ही दिल में अर्तुरुल से शादी की ख्वाहिश भी रखती है। जब जानदार बे अर्तुरुल से अपनी बेटी की शादी की बात करते हैं तब अर्तुरुल बहुत हैरान होता है। अर्तुरुल हलीमा से बहुत मोहब्बत करता था और हलीमा से मोहब्बत की ही खातिर अर्तुरुल शादी करने से इनकार कर देता है। रिश्ते से इनकार के बाद असलहान अर्तुरुल से नफरत करने लगती है और हलीमा से भी कारखाने में लड़ाई करती है। जब अर्तुरुल औराल पर मुकदमा चलाता है और हानली बाजार में अदालत लगाता है तब असलहान अर्तुरुल से नफरत का खुलकर मुजाहरा करती है। औराल की सजा से पहले जानदार साहब की मौत हो जाती है, जिसका जिम्मेदार भी वो अर्तुरुल को ठहराती है। असलहान 3.5 कोपेक से शर्त रखती है कि वो सिर्फ उसी सूरत में शादी करेगी जब वो औराल को बचाएगा, लेकिन जब बाद में औराल की साजिशें बेनकाब होती हैं तो वो शर्मिंदा हो जाती है। औराल की मौत से पहले ही असलहान ठीक हो जाती है और अर्तुरुल 3.5 कोपेक की बजाय तुर्गुत की शादी असलहान से करवा देता है। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इन सारी औरतों में से सबसे ज्यादा नेगेटिव रोल आपको किसका पसंद आया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। दीजिए नूर हयात को इजाजत। अल्लाह हाफिज़।